नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और मेरे साथ में है अमितेश और हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। शिवपुरी यशोधरा राजे सिंधिया की सीट, सिंधिया घराने का ये एक तरीके से अड्डा रही है, ये सीट हमेशा वो जीतते आए हैं। हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ का ये माधव चौक है, माधव राव सिंधिया के नाम पर ही नाम है और इस शहर को भी सिंधियाओं ने ही बसाया था, है ना। तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ चाय की दुकान है, हम आए यहाँ पे, एक पीछे मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे दूध पिया, उसके बाद हम थोड़ा चक्कर मारने निकले तो सारे लोग बैठे हुए थे, तो हमने कहा क्यों ना ये जो बातचीत कर रहे हैं आप तक तो सुनवाई जाए। तो हमें आए भैया, हमारी गाड़ी पे ही पहुँच गए चाय लेके, कि भैया कौन सी चाय पियोगे आप। तो हमने बोला कि अभी चाय नहीं पी रहे आपसे बात। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, चाय बेचते हो आप यहाँ पे या खाली चाय वहाँ से लेके काउंटर से और बेचते हो दूसरे लोगों के पास? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी? एट्थ में छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? ऐसी है, पढ़ने में मन नहीं लगता था या घर वालों ने बोल दिया था? पढ़ने में मन नहीं लगता था। मन नहीं लगता था, किस काम में मन लगता है? बताओ। काम तो किसी मन में लगता, किसी भी चीज़ मन नहीं लगता, क्यों? अच्छा ये बताओ, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव समझ में आता है? नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ पे बस चाय के अलावा और कोई भी काम करते हो? बस यही काम करते हो? यही काम करते हैं। किसकी दुकान है ये? किसी घर वाले की है या किसी और की है, बाहर की है? आप यहाँ नौकरी करते हो? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं, कितने पैसा मिलता है आपको? 200 रुपये। 200 रुपये प्रतिदिन? हाँ। हर रोज के 200 रुपये मिलते हैं। हाँ। अच्छा, कितने घंटे काम करते हो? 12। 12 घंटे काम करते हो? यार 12 घंटे तो हम काम नहीं करते। कितने बजे आते हो सुबह? 10। दोस्तों इनसे बात कर ले, है ना, आप आ जाओ, आपको बात करनी है आप आ जाओ उधर, है ना। हाँ ठीक है, 12 घंटे काम करो, कितने बजे आते हो सुबह? 10। और शाम को 10 बजे तक? हाँ। तो अब तो 10 से ज़्यादा बज गए, घर क्यों नहीं गए फिर? अभी जा रहे हैं। पापा हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैजिक। मैजिक चलाते हैं। अच्छा, और भाई बहन हैं छोटे बड़े? बड़े हैं। कितने हैं? 3। क्या करते हैं वो? एक काम करता है, एक पढ़ता है। सबसे बड़ा क्या करता है? काम करता है सबसे बड़ा। किस चीज़ का? जूते की दुकान पर। अच्छा, फिर बीच वाले कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में। तो फिर आपने क्यों पढ़ाई छोड़ दी यार? बड़े भैया पढ़ रहे हैं, आपको ही पढ़ना चाहिए था। बड़े बड़े वाले भैया और पापा काम करते रहे? नहीं लगता था, पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। टीचर अच्छे नहीं थे, मारते थे, क्या करते थे? क्यों छोड़ दी पढ़ाई? शुरू से ही मन नहीं लगा था, पढ़ाई में मन नहीं लगा था, तो पढ़ाई छोड़ के और चाय की दुकान पर काम करने लग गए। अच्छा, इस देश का जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नाम सुना है? वो भी पहले बचपन में चाय की दुकानों पर काम करते थे, लेकिन वहाँ से निकल कर वो कितनी ऊंचाई पर पहुँच गए, है ना। तो अपने को भी ऐसा ही सपना रखना है अपने पास में, अपने को भी उसी ऊंचाई पर पहुँचना है, है ना। आराम से बैठो, बात करते हैं आपसे भी। जी, तो और भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, सारे लोग बात करने को तैयार है? कोई ऐसा है जो भैया मैं माइक लाऊं और बात नहीं करें? करोगे? अरे बताओ, बोल ही नहीं रहे। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? अंकित कुलश्रेष्ठ। क्या करते हैं आप? मैं एजुकेटर हूँ, केड़ी कैंपस। पढ़ाते हैं आप बच्चों को? क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो एसएससी वाली जो कोचिंग है उसमें? एसएससी है। अच्छा, कितने साल उम्र होगी आपकी? मेरी 25। 25। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मतलब मोस्टली 7 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब जब मैं 12th क्लास में था तब से पढ़ा रहा हूँ। 12th में तब से पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तब कहाँ पढ़ाते थे? यहीं शिवपुरी में ही। शिवपुरी ये सेवा शिवपुरी एक संस्था है, फ्री कोचिंग देती है छोटे बच्चों को, वहाँ पढ़ाया मैंने 5 साल। और ये मेरे फ्रेंड ने, इनने भी पढ़ाया साथ में ही। अच्छा। और ये भी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ दिल्ली जाना हो गया, तो खुद की प्रिपरेशन कर रहा है अब। अच्छा, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और बच्चों को वहाँ पे कैंप पढ़ा भी रहे हैं? हाँ। तो एसएससी में तो बड़ा मसला चल रहा है पिछले कई टाइम से। हाँ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, मतलब डीओपीटी विभाग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतर्गत आता है सबसे बड़ी बात, और डीओपीटी विभाग आने के बावजूद 1.5 महीने एक जस्ट लिसन मैं बोल लूँ थोड़ा सा बताओ। तो मेन चीज़ डीओपीटी किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत। सीबीआई की जांच हुई, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, 1.5 महीने बच्चे रोडों पे बैठे रहे, आपने तो देखा होगा, कवर भी किया होगा दिल्ली के अंतर्गत। और एसएससी में इतना बड़ा स्कैम हुआ, पर्चा आया पूरे मतलब सोशल मीडिया पे सारे पर्चे दिखाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रताड़ना लगाई किसको? एसएससी को। और डीओपीटी किसके, जितेंद्र सिंह किसके अंतर्गत आते हैं? डीओपीटी भी पीएम मोदी, एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया पीएम मोदी ने इसके, मतलब बच्चे 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ये देखने को मिलता है, मतलब आप इवन विश्वास नहीं करेंगे कि 2-2, 3-3 हज़ार जगह आती हैं और बच्चे डले हैं बेचारे, 40-40 लाख फॉर्म भरे होते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। मतलब 2017 का मेंस का पेपर अभी दोबारा होना है, जो मान के चलिए अब चौथी बार हो रहा है वो पेपर, एक ही पेपर चौथी बार रिपीट हो रहा है। जी, मतलब पहले वो हुआ जिस डेट को, एक 21 तारीख वाला पेपर था जो पर्चा पूरे सोशल मीडिया पे लीक हो गया,
उसके बाद भी पता है गवर्नमेंट ने इस चीज को इनकार कर दिया कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है। DUPT विभाग ने खुद ने मना कर दिया, उसके सुप्रीम कोर्ट ने प्रताड़ना लगाई, तो उसके बाद से दोबारा से वो पेपर 12 बजे हुआ, फिर 12 बजे की बजाय फिर वो पेपर का डेट दे दिया गया 9 दिसंबर, फिर 9 तारीख को हुआ। अब वो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसे पूरा कैंसिल कर दिया, अब दोबारा मेंस का पेपर हो रहा है। और ये आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जो DUPT विभाग और जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, NIA हुआ, CBI हुआ, IB हुआ, मतलब जितने ब्यूरोक्रेट्स अपने देश को चला रहे हैं, उस ब्यूरोक्रेट्स की जो मतलब मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो नेताओं के अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी बदौलत देश चल रहा है। और वही ब्यूरोक्रेट्स अपने कहां से आ रहे हैं, फर्जी लोग आ रहे हैं, फर्जी लोग मतलब पर्चा लीक हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं SSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एक जोक भेजा था मुझे कि पहले SSC का पेपर होता था कि प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और नौकरी लग गई। अब होता है पहले प्री होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर मेंस होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल सही सुना है सर आपने। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होना चाहिए, अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, चाहे वो यहाँ से तैयारी कर रहा है, सोचो आप मतलब अपन इस मीडियम पे बैठे हैं, जैसे जहाँ पे अपने चाय वाले भैया से आपने छोटे से बात की, इसका लेवल और एक जो दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसका लेवल, उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो बच्चा उठ के दिल्ली जाता है, प्रिपरेशन करता है 2 साल, रिजल्ट 2.5 साल में आते हैं। मतलब रवीश एक पेपर का रिजल्ट 2.5 साल में, 2.5 साल में आता है। वो तो रवीश कुमार जी हैं जिनने एक सीरीज चलाई थी, आपने देखी होगी, उनकी बदौलत लोगों के जल्दी जल्दी कॉल लेटर आए, उन्हीं को ही सबसे ज्यादा आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं। अच्छा, तो इन भाई साहब ने बताया कि नौकरी लगने में 2.5 साल मिल जाता है, 2.5 साल का वक्त लगता है। जी आप क्या करते हैं भाई साहब? जी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, होम ट्यूटर हूँ। आप होम ट्यूटर? हाँ। किस चीज की पढ़ाई की हुई आप? मैंने BSc की हुई है ऐसे मैथमेटिक्स से। BSc? अच्छा, ये शिवपुरी में कैसा है पढ़ाई का माहौल, क्या है, अच्छे कॉलेज हैं कुछ या नहीं है? कॉलेज तो ठीक है लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं है यहाँ इन कंपैरिजन टू। अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है बट यहाँ इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है एजुकेशन का, कमी है, बहुत कम स्कोप है यहाँ पर। यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, कोटा वगैरह जा रहे हैं या इंदौर जा रहे हैं बच्चे, ग्वालियर जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, यहाँ स्कोप कम है। अच्छा, मैं जिन भी अब तक मैं 4-5 जिलों में जा चुका हूँ मध्य प्रदेश के, सब में यही समस्या है कि एजुकेशन का नहीं है लेवल। हाँ, कम है, बहुत कम है, लो लेवल है एजुकेशन का। क्यों है? मतलब एक ही सरकार है बड़े लंबे टाइम से, तो ऐसा भी नहीं है एक यूनिवर्सिटी को बनने में या एक कॉलेज को बनने में इतना लंबा समय भी नहीं लगता। हाँ, तो डेवलप हो सकते थे क्या? ऐसे कारण रहे, कुछ तो लोकल कारण रहे होंगे जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि सारी चीजें सरकार के ऊपर तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लोकल रीजन रहा हो। क्या लगता है? क्या लोकल रीजन ये है कि एक तो क्या है, सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट भी कर देती तो सबसे पहले तो उनको ज़मीन नहीं मिल पाती कॉलेज को, अगर ज़मीन मिल भी जाए तो फिर कई सारी जैसे उनको फंड्स नहीं आता या फिर और सही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं कॉलेज बनने में। और यहाँ क्या है, लोगों के अंदर एक वो भी नहीं है कि मतलब पेरेंट्स के अंदर के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मिशनरी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं बच्चे, मिशनरी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। मतलब अपन को कुछ ऐसा करना होगा गवर्नमेंट को जिससे क्या बच्चे अट्रैक्ट हों गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। जैसे आप दिल्ली गवर्नमेंट का देख लीजिए, उनने स्कूलों में इतनी अच्छी फैसिलिटी दे दी कि प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये है, अगर आप छोटे से गाँव में जाएंगे, शिवपुरी के छोटे से गाँव में जाएंगे तो एक स्कूल पे, मतलब छोटा सा स्कूल जिस पे 2 टीचर हैं जिनको 60,000 पेमेंट मिल, मतलब गवर्नमेंट कितना दे रही है, 1,20,000 रुपये इतना गवर्नमेंट दे रही है, और उसके बावजूद पता है बच्चे कितने बैठे हैं क्लास में? 2। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे बच्चों को प्रवोक नहीं किया जा रहा है कि तुम स्कूल आओ और पढ़ो, वहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी बना दी गई है। अच्छा, आप खुद पढ़ाते हो, ठीक है, आप इस जगह से निकल के भी गए हो, आपको इस जगह की लोकल प्रॉब्लम्स भी बताएं। हाँ। क्या ऐसा जो अब नई गवर्नमेंट आए वो ऐसा क्या करे स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए कि एकदम चीज़ें सही हो जाए उससे स्कूल एजुकेशन के मामले में? क्या एक युवा जो 25 साल का है जो दिल्ली में खुद पढ़ा रहा है उसको क्या लगता है, युवा की क्या राय होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जो एजुकेशन है हमारी उसको पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, उससे क्या होगा, आप जो बच्चों को वो देना चाह रहे हो ना एजुकेशन, वो उनको डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर हो ताकि बच्चा अच्छी एजुकेशन ले सके। अभी ये गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी टीचर प्रॉपर ध्यान नहीं देते, और पढ़ाया नहीं पढ़ाया उनका वो नहीं है प्रॉपर, उनको कोई मतलब नहीं, बस स्कूल गए अपना टाइम पास किया और घर आ गए। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन सरकार ने सरकारी स्कूलों को आदर सुधार दी, भाई साहब बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इवन मेरा पीछे मेरे एक स्कूल, मतलब मेरे बिल्कुल बगल में ही एक आंटी रहती है, टीचर ही है वो बेसिकली, और वो मतलब 11 बजे तो खुद स्कूल जाती हैं और 2 बजे वापस आ जाती हैं, जिसमें अभी ये बताती हैं कि 2-3 दिन बच्चे आते हैं टाइम पास करके वापस आ जाते हैं, उनका स्टेटमेंट ये है। संबंध खराब हो जाएंगे? नहीं नहीं, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूं, तो मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज नॉट अ मैनर
मुझे नहीं लगता। बच्चों को अपन जैसे कोई बच्चा है मिडिल लो क्लास का बच्चा है, आप उसको जैसे अपन जैसे सिलेंडर में सरकार ने DBTL मतलब जो स्कीम लगाई है डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर, हाँ डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर सरकार ने लगाया, ऐसे ही आप बच्चों को एजुकेशन में लगा दो डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, बच्चे अपना कम से कम एक अच्छे स्कूल में जाएं। एजुकेशन में क्या DBT हो सकता है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका जैसे बच्चा मान लो कोई SC ST आपने जैसे कैटेगरी बना रखी है, तो आप क्या उस बच्चे को हर महीने इतना मतलब एजुकेशन के लिए खर्च करेगी सरकार? सरकार वहाँ बच्चों को टीचर को तनख्वाह दे रही है, वहाँ बच्चों को खाना दे रही है, सब दे रही है, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, प्रॉपर बच्चे तो वहीं की वहीं हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं 8th, 7th, 5th, 6th तक पढ़ा बच्चे, खाना खा के आ गए स्कूल से पढ़ा, और फिर वो डेवलपमेंट तो वहीं की वहीं है ना, आगे तो बढ़ा नहीं है। तो अगर वो अच्छे स्कूल में जाएंगे, अगर वो ढंग से पढ़ेंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा। एक मॉडल जो आपने DBT वाला बोला, हाँ वो मैं समझ नहीं पाया कि स्कूलों का DBT कैसे प्राइवेट के जैसे ट्रांसफर किया जाए। जैसे बच्चा है अपन ने जैसे सबसे पहले कोई छोटा बच्चा है जैसे 3 या 4 साल का बच्चा है, अपन उसको प्राइमरी में एजुकेशन देते हैं, मतलब उसको स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए जैसे एजुकेशन को ऐसे ही मतलब उसके डायरेक्ट उसको उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करे कि इसको अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन, या फिर प्राइवेट स्कूल में एक कोटा सीट्स बना दे रही है, वो टीचरों की तनख्वाह को बच्चों को दे दिया जाए, हाँ और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में करा, हाँ, दिया जाए, और या फिर प्राइवेट स्कूल में ऐसी सीट रिजर्व कर दी जाए कि ताकि गरीब बच्चों को 40% तो है RTE में 25% सीटें तो रिजर्व है। मैंने तो आज तक नहीं सुना एक भी प्राइवेट स्कूल में कि बच्चों को एडमिशन मिला है। अच्छा, यहाँ प्राइवेट स्कूल में RTE का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं 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 मिलता, बिल्कुल लाभ नहीं मिलता यहाँ पे। आप तो पढ़े लिखे हो, आप शिकायत करो जाके। मैंने कई बार मतलब यहाँ पे मैसनरी स्कूल की तो सर इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, फीसों के लेवल आप देखेंगे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने देखा, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक चीज अच्छी की कि मैसनरी स्कूल के जो फीस है उस पर लगाम लगाई है। अभी यहाँ पे मनमानी फीस लेते हैं सर, मतलब मनमानी फीस लेते हैं। सबसे बड़ी बात, कितनी फीस होगी लगभग यहाँ पे? लगभग मतलब 10,000 समथिंग 3 months की, 3 महीने 12 महीने की फीस लेते हैं, हाँ। तो 10-40 हज़ार, हाँ 40,000 रुपए। और उनका जो कोर्स है सिलेबस है उसकी फीस अलग है। आइए भाई साहब, आइए आइए बैठिए, आइए आ जाइए आप भी, आपसे ही बात कर लेते हैं, ये भाई साहब दोनों ही बात कर रहे हैं, हाँ। तो क्या है उनका जो कोर्स है, उनका भी कोर्स भी इतना हाईफाई होता है, प्राइवेट जो मतलब प्राइवेट वो होते हैं राइटर उनका कोर्स चलाते हैं, स्कूल वाले अपनी मर्जी से कोर्स चला रहे हैं, तो वो भी इतना ज्यादा 4-4, 5-5 हज़ार का रखा है। पूरा बिजनेस सर, मतलब दुकानें मतलब ड्रेस के लिए, इवन ड्रेस शूज के लिए दुकानें अलॉट कर दी गई हैं कि इसी शॉप से तुम्हें लेना है, हाँ बैग भी वहीं से लेना पड़ेगा। मतलब बुक अगर बच्चा पुराने सिलेबस की ले आए तो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कॉन्स्पिरेसी रहती है उन लोगों की, ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब आपको वो चीज खरीदनी पड़ेगी। मतलब सिलेबस में अगर पूरा सिलेबस चेंज नहीं किया, 2-4 बुक की स्लैब ऐसी डाल दी कि बच्चे को पूरा नया सिलेबस लेना ही पड़ेगा। और ये तो मेरा खुद फ्रेंड है जो स्टेशनरी चलाता है, तो इसको खुद बोला गया है स्पेशली स्कूल वालों ने कि आपको यहीं से लेनी है बुक्स। और ऐसा बताइए, आप तो स्टेशनरी वाले हैं, अब तो अंदर की बात ही बता ही दीजिए। नहीं, अंदर क्या है, हम लोगों के पास अभी तो कोई स्कूल नहीं है प्रेजेंट में। अच्छा, कैसे स्कूल वाले आते हैं कि भाई हमारी जो बुक्स हैं वो सिर्फ आपके पास मिलेंगी? हाँ, ये सिस्टम होता है कि स्कूल वालों का कि हम जो उनकी बुक्स होती हैं सिर्फ एक ही स्टेशनरी पर रखी जाएंगी, और वही स्कूल वाले कमीशन लेते हैं कुछ उसमें, उनका कमीशन रहता है। अब ये जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे पास स्कूल नहीं, मतलब होता है पर, हाँ होता बहुत है। बढ़िया प्रश्न पूछा कि मतलब स्कूल में कैसे सुधार किया जा सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपन वहाँ से कॉपी कराएं या, लेकिन आप अगर थोड़ा सा उदाहरण लें जैसे जापान और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज का उदाहरण लें, तो वहाँ पे पता है क्या किया जाता है कि छोटे से ही बच्चे की जो रुचि है वो देखी जाती है, उसकी क्यूरियोसिटी देखी जाती है बेसिकली, तो क्यूरियोसिटी मस्ट है वहाँ पे, क्यूरियोसिटी और साथ में एक गेम सब्जेक्ट होता है जो कि एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है गेम्स। अगर गेम्स में अपन बच्चों को आगे निकालें, साथ में आप देखते हो अपना देश कितना बड़ा देश है, मतलब कितनी जनसंख्या है इसकी, मेडल कितने आते हैं, गोल्ड कितने आते हैं, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे देश, चाइना तो छोड़ो चलो, अमेरिका जैसा अगर देश अपन देखें, इतना छोटा देश होने के बाद इतने सारे गोल्ड मेडल लाता है, तो अपने गेम्स एंड स्पोर्ट पे सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें बच्चों को बचपन से ही एक सब्जेक्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए, और गेम्स एंड स्पोर्ट को इतना ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए उस पर कि बच्चों को एक सब्जेक्ट दे दिया जाए, उससे उनकी रुचि बढ़ेगी गेम्स में, और अब मेडल भी जीतेंगे अपन, दोनों काम होंगे अपने। सबसे बड़ी एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ भी सुधार होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, बात करेंगे आप हमसे? भाई साहब एक बार थोड़े दूर खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बॉबी। क्या करते हैं? अपनी शॉप है। किस चीज़ की शॉप है? मेंस वियर की शॉप है। तो GST के दायरे में आती है शॉप? जी बिल्कुल आती है। अच्छा, तो GST जब से लागू हुआ है तब से पहले से जॉब, उससे पहले से आपने काम करना शुरू कर दिया था? जी बिल्कुल कर दिया था। अच्छा, कितना फ़ायदा हुआ है GST से, कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? कुछ नहीं है, सारा नुकसान हुआ है। क्या? अच्छा बॉबी जी, मुझे एक बात बताइए, आप एक दुकानदार हैं जी,
आप अपने से ऊपर वाले जो दुकानदार होंगे उनसे कपड़े खरीद के लाते, मेंस वियर जो भी आपकी दुकान है वो खरीद के लाते होंगे, मुझे एक बार पूरा प्रोसेस बता दीजिए कि कैसे आप खरीद के लाते थे, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इसमें जो अंतर है वो समझ सको, क्या नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ। पहले तो अपन जैसे नॉर्मल प्रोसेस थी, अपन गए दिल्ली मार्केट गए अपन, या दिल्ली से आता था? जी जी बिल्कुल, दिल्ली से अपन गए और अपन थोक की दुकानों पे गए, अपन अपन कैश पेमेंट हुआ और उस हिसाब से आता था माल अपना। अब ये ऐसा है कि अपने ऊपर दोनों च्वाइस हैं, अपन दो नंबर में लाना चाहें दो नंबर में भी आ सकता है। दो नंबर क्या होता है? दो नंबर में ऐसे है कि अपन बिल बनवा रहे हैं 10,000 का, मतलब एक नंबर में GST प्लस, और अपन माल ला रहे हैं उसमें 25,000 का। अभी का हाल है ये, अभी ऐसे भी आ रहा है माल, अपन तो ऐसा नहीं ला रहे, वैसे ऐसे भी आ रहा है, बहुत से ऐसे भी कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। और अपन को यहाँ पे अब GST कोई अपन को ग्राहक यहाँ पे कुछ जानता है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो अपन को GST मिल नहीं रहा है, अपन ने उससे रेट बढ़ाई नहीं है, मार्केट अपनी वही चल रही है, पर हमको वहाँ से देना पड़ रहा है। ज़्यादा पड़ रहा है? ज़्यादा कैसे पड़ रहा है, मतलब पहले कितने का पड़ता था, फिर GST लगी उसके बाद कितने का पड़ने लग गया, पहले कितना मुनाफा हो रहा था, कितना नुकसान हो रहा है? पर पीस पे आप कम से कम नहीं तो आप 10-50 रुपये से कम मिनिमम लेके चल सकते हैं, 50 बेनिफिट अपना नहीं, वहाँ से बढ़ा है जो पैसे। अच्छा अच्छा, तो आप ये पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले एक पीस कितने का आता था लगभग? अपना ऐसे मान लो 400 रुपये का था, तो आप हमको 425-30 का पड़ रहा है, 425-30 का पड़ रहा है। लेकिन जो GST का बोला जा रहा है कि भाई कालाबाजारी इससे रुक गई है, ठीक है, टैक्स चोरी रुक गई है, कुछ नहीं रुका है। कैसे? आप कह रहे हो कालाबाजारी रुक गई है, कालाबाजारी 2,000 के नोट आए, तो कालाबाजारी और ज़्यादा ही हो रही है, आपको भी पता है किस टाइप से हो रही है, एक बार खुल के बता दीजिए। मैं एक्चुअली मैं मुझे आइडिया है नहीं इन चीज़ों का, ज़्यादा बिजनेस में थोड़ा कम समझता हूँ, इसलिए आपसे ही पूछ रहा था। तो नहीं, सब तरह के दो नंबर का काम सब चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। से दो नंबर का काम नहीं रुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका है। हाँ जी, आ जाइए, लल्लन टॉप आया, आ जाइए आ जाइए। हाँ जी, इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये बोलने की सहमत नहीं। GST से सर क्या हुआ है भैया कि GST से कालाबाजारी बहुत रुकी है? नहीं है, हम लल्लन टॉप पे। अरे वो है लल्लन टॉप पर चश्मा लगा रहा था वो, क्या? अच्छा, आप देखा नहीं होगा, मैं भी हूँ वहीं पर। चलिए आप बताइए क्या है। कालाबाजारी बहुत रुकी है। पहले क्या होता था, जो माल आता था ना, जैसे हम लोग कहीं बाहर सिटी से ग्वालियर, भाई साहब बोले थे चश्मा लगाए रहते हैं, ये संदेश चचा के लिए हो सकता है, सौरभ सर के लिए हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है, ठीक है, बताइए। तो पहले क्या होता था, ग्वालियर से या दिल्ली से माल आता था, तो उस पर क्या करते थे व्यापारी लोग, मतलब उन्होंने माल लेके आया, उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। अब क्या हो गया, GST पे मतलब ट्रांसपोर्ट वालों पे उन्होंने सख्ती कर दी, तो हमको जैसे मान लो 20,000 का माल लेके आ रहे हैं, तो हमको उस 20,000 पे उस जो मतलब GST स्लैब है, जो रेट है, उससे ही टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब इससे क्या हुआ है कि व्यापारी को नुकसान ऐसे हुआ है, क्योंकि एक तो उसको पूरा टैक्स भरना पड़ रहा है, मतलब वो चोरी नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ा ये हुआ है व्यापारी का। कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चोरी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, चोरी मेरा कहने का मतलब है, कंसीडर करूंगा, ये बिल्कुल सही, क्योंकि जो पहले होता था वो अब नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, ठीक है। दूसरी चीज GST में ये है कि सर बहुत सी जो सेल कंपनियां थी, फर्जी कंपनियां, वो पूरी तरह बंद हो गई हैं, और जो माल आता था बाहर से वो भी बंद हो गया सब। बताइए भाई साहब। नहीं, बात भैया ने बोला है चोरी की बात, तो क्या अपना क्या इतना बड़ा काम तो है नहीं, कि अपना का टर्नओवर साल का 30 लाख हो, 40 लाख हो, तो अपन उस हिसाब से अपन GST का क्या हुआ कि आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, तो अपना अपना काम ही मतलब 10 अपना टैक्स बनना तो ठीक है ना, ये फिर कैसे सड़कें बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो आप बिल्कुल बनेंगे, वो हमारी सड़कों हमारे पैसों से ही बन रहे हैं, और घोटाले आप जान रहे हैं कितने व्यापार घोटाला हुआ, ये घोटाले हुए वो भी हमारे पैसों से ही हो रहा है, वो भी आप जान रहे हैं सब। और उसके बाद अब आई बात की भैया कह रहे हैं चोरी वाली बात आई, तो हमारा मार्जिन 100-200 रुपये का होता है, उसमें कितनी चोरी होगी और हमारी चोरी देखेंगे, तो फिर जी अभी अभी अपनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी है, अपनी यूनिटी बनी है, उसकी ज़रूरत नहीं थी देश में, पहली बात। अगर आप रात को पैसे लेके चले आप, हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ज़रूरत काय की थी, रोजगार की ज़रूरत थी, सड़कों की ज़रूरत थी, वहाँ पर जहाँ बनी है वहाँ पानी की ज़रूरत थी, नर्मदा वहाँ से निकली गई है, वहाँ के आस पास के क्षेत्र में अभी भी पानी नहीं पहुँचा है, ज़रूरत पानी की थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। पहले GST का हुआ, नोटबंदी का हुआ, पहले देश इतना सक्षम तो बन जाए जो इस लायक बन सके। आप जो बड़े बड़े कदम उठाए हैं अपन ने, पहले इस लायक अपना है नहीं, अपना छोटा पक्ष दिख लेती है इसका, जितना भी अपना रोजगार का वो था, व्यापारी आदमी था, आपने GST वाले एक दायरा तय कर दिया, तो दायरे के अंदर कोई नहीं भी आ रहा उसको भी लाना कंपल्सरी हो गया है, GST लाना उसको भी कंपल्सरी हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, उसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए थे। ये भाई साहब थोड़ी असहमति जता रहे हैं, कि सहमति पूछ लेते हैं,
ये बोल रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जरूरत नहीं थी, वैसे बना दे आप, क्या कोई जरूरत थी भाई साहब? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर लोग नहीं जान रहे, और आप उसका स्लैब देखिए सबसे पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने उसको घूमने के लिए, उसके लिए टिकट भी रखा गया है। और जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने सुना होगा, वहाँ पे जैसे टिकट रखा गया है ऐसे यहाँ पे भी टिकट रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिक्कत क्या, मतलब एक एज अ टूरिज्म डेवलप, एज अ टूरिस्ट डेवलप कर रही है, उससे फायदा भी होगा। और वहाँ पे क्या है, उसके जस्ट पीछे लगभग 15 या 20 मीटर की दूरी, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सरदार सरोवर डैम भी है, तो उससे टूरिज्म डेवलपमेंट होगा। बोल रहे टूरिज्म बढ़ेगा, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास? पैसा तो आएगा। अब जैसे आप बताएं कि जिसके पैसे, किसके पैसे से ये बना है आप बताएं, सरकार के पैसे से बना है कि बीजेपी के खुद के खाते से बना है? पहले तो आपको ये पता तो बोल रहे हैं कि जो टैक्स नहीं है भैया लोग आएंगे, नहीं वो सब आएंगे, पहले आप इनसे ये पूछें कि बीजेपी के खाते से बना है कि जनता के पैसे से बना है, पूछें भाई ये पहले आप बताएं। वो तो गवर्नमेंट के पैसे से बनाना है, ऐसे अगर अपन देखें तो दुनिया भारत में जितने मॉन्यूमेंट्स है सब तोड़ डालने चाहिए, का पैसा मतलब ताजमहल भी तोड़ देना चाहिए अगर आपकी एक बात को कंसीडर नहीं बनाता। ताजमहल आल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडिया, वो तो मॉन्यूमेंट। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, वो अच्छे इंसान थे, बोल ठीक है मैं मानता हूँ आपके, अगर ऐसा ही था तो उनके नाम से आप 10 हॉस्पिटल खोलते, मुझे उस पर खुशी होती। बोले है ना भाई साहब, आप देखो एम्स की संख्या बढ़ के भी, एम्स की बोल रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3,000 करोड़ की मूर्ति या 2,000 करोड़ की मूर्ति जो भी है, नहीं भैया मैं बताऊँ आपको, उसकी जगह पे 10 हॉस्पिटल खोल देते सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, यही बोल रहे हो ना? वो भी खोले हैं सर, वो भी एम्स की संख्या, उस वाले पैसे से खोले हैं। आ रहे हो खुले हैं उस पैसे से? नहीं कहाँ खुले हैं, एम्स भोपाल नहीं था पहले, एम्स भोपाल नहीं था, ये अभी शिवपुरी में जो मेडिकल कॉलेज खुला है वो, दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। और आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आरोग्य योजना करके आयुर्वेदिक को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब 40 हॉस्पिटल एम्स लेवल के इंडिया के अंदर खोले जा रहे हैं, जो किसकी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट के अंतर्गत ही खोले जा रहे हैं। बताइए भाई आप, मैं तो ये कह रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एम्स जैसा हॉस्पिटल कहाँ है जी बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल पहले से एग्जिस्ट करता है दिल्ली में, भाई साहब यू आर ऑल्सो बिलोंग टू दिल्ली, सरदार वल्लभ पहले से क्या जरूरत है हॉस्पिटलों की, मूर्ति बढ़िया तो है? अब ये तो आप भैया बेहतर जाने की मूर्ति से काम चलेगा तो नहीं, मेरे हिसाब से टूरिज्म बाद में है, जो गरीब आदमी है उसको ठंड के मारे मर रहा है, उसको जरूरत है मूर्ति, वो क्या करेगा, गुफा घूम के क्या करेगा? आप बताओ अगर शिवपुरी की जनसंख्या जितनी भी है उसका 50% आदमी गरीब क्षेत्र का है, गांव का है, तो वो क्या वहाँ पे घूमने जाएगा? बताइए वैसे बोल रहे गरीबों के कोई काम की नहीं है सर, अगर हम लोग ईमानदारी से टैक्स भरे ना तो सर हमारा देश इतना डेवलप हो सकता है कि हम इतनी तरक्की कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी ये भैया ने बोला जैसे 10 अस्पताल बनाने की बात, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले जब से आए हैं 10 साल से, उनके नाम से औषधि पे मतलब जो अस्पताल हैं उनमें फ्री दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। 10 साल से फ्री दवाई मिल रही है यहाँ पे, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से दवाई मिल रही है। 10 साल से फ्री दवाई मिल रही है, 2-5 साल से तो है नहीं, मैं 5 साल हो रहे हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, क्लियर बात ये है कि दवाई तो मिल रही है, आप 2-4 ले लो, 4 साल ले लो, 10 साल ले लो, पर बात ये है शिवपुरी क्षेत्र में जो अपना एक ही हॉस्पिटल लगता है पूरी जिले में बड़ा हॉस्पिटल, तो इसमें डॉक्टर ही नहीं है सबसे बड़ी बात, और बची बात आई दवाइयों की, तो आप 4 आदमी आप सुबह जाके अगर आप रुके हो तो आप 4 अपने आदमी इकट्ठा करें, क्या बुखार की दवाई दे दो मुझको, और मुझे जुखाम की दे दो, और इसकी दे दो उसकी दे दो, वो चारों को एक ही जैसी दवाई देंगे, पूछो आप है कि नहीं। मुझे आप एक बात बताओ, गिनती के कितने मॉलिक्यूल हैं जो बचे हैं, एंटीबायोटिक के कितने मॉलिक्यूल हैं, आप खुद ही पता है, पैरासीटामोल ही अगर दर्द का पैरासीटामोल देना ही है अगर, तो पैरासीटामोल दिया जाएगा, एनाल्जेसिक जो देना चाहिए वही तो दिया जाएगा, गिना चुना भाई साहब, उसमें गिना चुना क्या है? आपकी बात मैं मान रहा हूँ मैं आपकी बात, पर इतना ये भी जाने कि सब में फर्क होता है, और ये नहीं है कि आप बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की दवाइयाँ आप समझें, जो कंपनी बिल्कुल वो चल रही है वैसा है, मैं सरकार के बारे में नहीं कहूँगा, सरकार तो चल रही है, बात दूसरी बात चल रही है, बात घूम के कहीं और आ गई, तो ऐसा है कि सब तरह का काम हो रहा है। सामने मुझे एक पेट्रोल पम्प दिख रहा है, आजकल पेट्रोल बड़ा हाइक पर जा रहा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हो, इतना पेट्रोल बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? सरकार बोल रही है भैया हम रोडें बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, उसके लिए तो पेट्रोल बढ़ाएंगे रेट,
सर इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, एक रिजर्व पेट्रोल रिजर्व बना रही है हमारे देश में, ताकि हमारे देश में अगर कहाँ पे बना रही है, बीकानेर में बन रहा है और एक राजस्थान में बन रहा है, दो राजस्थान, हाँ सॉरी बीकानेर बन रहा है, एक जगह और बन रहा है सर मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो दो जगह बाड़मेर, 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 और सबसे बड़ा रीजन सर ये है, मैं रहने वाला हूँ वहाँ का, राजस्थान का मुझे अंदाजा नहीं है, इतना बाड़मेर सर राजस्थान, सबसे बड़ी चीज पता है इसमें क्या है, अपन दूसरों के देशों के रिसोर्सेस को खत्म कर रहे हैं, अगर आप देखोगे सरकार की स्ट्रेटजी को, अपने पास इतना पेट्रोल है कि अगर अपन आने वाले मतलब कि आने वाले 100 सालों तक भी पेट्रोल की खपत करें, कंजप्शन करें खुद पूरा इंडिया, तो अभी मतलब पेट्रोल अपन इतना है अपने पास, कहाँ है अपने पास, बाड़मेर में है, बाड़मेर में काहे नहीं सरकार फिर खुदवा देती वहाँ पे कच्चे तेल के, क्यों नहीं निकलवा देती, निकल रहा है सर, अपन निकल रहा है, अपन मेन चीज बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपन दूसरे देशों के रिसोर्सेस को पहले यूज कर रहे हैं, एक बात समझ लो, ये भाई साहब एक सेकंड, शिवपुरी में बैठे हैं, ये यहाँ से कोई चीज खरीदते हैं जो शिवपुरी में बनती है, ठीक है, वो इनको सस्ती पड़ेगी, या फिर ये दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर जम्मू कश्मीर जाएं, जम्मू कश्मीर से फिर शिमला जाएं बाद में घूम के, और वहाँ से वो चीज़ खरीद के लाएं वो सस्ती पड़ेगी, बताइए, वो तो यहाँ जो खरीदेंगे वो सस्ती पड़ेगी, फिर काहे सरकार जब यहाँ पे इतना है तो क्यों नहीं ऐसे निकाल लेती, इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, शिवपुरी में एक वाटर बॉटल बनती है बिस्लरी नाम से, वाटर बॉटल जी, तो मतलब शिवपुरी से ही निकलती है और ऑल इंडिया में उसका सेम प्राइस है 20 रुपये, अगर ऐसा कुछ होता मतलब इसी टाइप में अगर पेट्रोल को देखा जाए तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसेज हैं पेट्रोल की, ऐसा क्यों नहीं है कि सारे मतलब स्टेट मतलब ऑल जैसे कि जीएसटी में अगर बताया जा रहा था कि जीएसटी में अगर पेट्रोल की प्राइसेस लेकर आते तो ऑल इंडिया में सेम ही होती, एक सेकंड कॉल आ रहा है, बोल रहे मैं सर जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही सरकार पेट्रोल जी, मेनली अगर जीएसटी के दायरे में ले आएगी तो फिर उसके पास ले को मतलब रिसोर्सेस क्या रह जाएगा आप बताइए, टैक्स का रिसोर्स क्या रहेगा, जीएसटी में भी है 28% की स्लैब है जीएसटी, नहीं तो 28% अगर आप पेट्रोल पे लगा दोगे डीजल पे लगा दोगे तो फिर आपको पता है डॉलर की कीमत कितनी बढ़ रही है एज कम्पेयर टू रुपए, अभी कुछ टाइम पहले शायद 68 या 70 हो गई थी डॉलर की कीमत रुपए की, अभी इस प्रेजेंट में 75 है, तो आप एक बात बताओ गवर्नमेंट के पास इतना रुपए कहाँ से आएगा, कि जो वो तो डॉलर में ही ले रहा है ना, मैं लेके चलता हूँ आपको 2012-13 में, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, और वो बड़ा मजाक उड़ा के बोलते थे कि भाई देखो क्या पेट्रोल का दाम कर रखा है, डीजल का दाम कर रखा है, ठीक है, 2015 में 54 की सरकार आ गई, 2015 में दिल्ली के इलेक्शन हुए, दिल्ली की रैलियों में बड़ा खुल के बोला था कि भाई किस्मत वाला पीएम आया है जो सारा क्या है पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, किस्मत वाला चाहिए कि बिना किस्मत वाला, अब इनको किस्मत वाला माना जाए इस चीज़ को या बिना किस्मत वाला माना जाए, और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो क्या गरीबों को सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए, आम आदमी है जिसको एक भाई साहब ये सिगरेट पी रहे हैं लोग, क्या ये जो गरीबों को आम आदमी को मिडिल क्लास को सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कांग्रेस जो है वो आरोप लगाती रही है कि अगर हमारे तरीके से चलते तो ये करीब 10-20 रुपये सस्ता हो जाता डीजल पेट्रोल, क्यों नहीं हो रहा फिर, सबसे पहली बात तो क्या है, अब गवर्नमेंट जो है ना डीजल अपनी जो न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर एनर्जी है, मीथेन से मीथेन प्लस इथेनॉल प्लस गन्ने को मिला के सरकार ये प्रोजेक्ट अभी काराधीन है, आपको ने अगर पढ़ा हो तो इस बार के सर उसमें भी आया है एक मैगजीन है फोर्ब्स, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है इंडिया में मीथेन प्लस जो शुगर केन है उसको मिला के एक एनर्जी बनाई जाएगी जिससे अब गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है अपने को उनको तो रुपये डॉलर में ही देना है, डॉलर में ही देना है, उसके लिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना जरूरी है क्या, नहीं तो लगाने के लिए जैसे अभी आपने बताया था कि वो जो आपने मूर्ति बनाई है मूर्ति का पैसा इधर लगा देते, बोल रहे हैं मूर्ति मत बनाते पेट्रोल को सब्सिडी देते, सर सर कितने की बनी है मूर्ति और पेट्रोल पे खर्च कितना है पूरे ऑल ओवर इंडिया एक दिन का, आप मुझे वो डेटा बता रहे हैं, 3000 करोड़ समथिंग ऐसी बनी है, नहीं और एक दिन का डेटा, इतना इतना खर्चा है इतने से काम नहीं चलेगा, मैं चलो मैं पूछ रहा हूँ कि पहले बोला जाता था भैया रुपए आईसीयू में पड़ा है और रुपए की गर्मा और सरकारी गर्मा गिरती जा रही है इतने टाइप की बात है, आजकल वो डिबेट कहाँ गायब हो गई, क्यों नहीं चर्चा हो रही, अब क्यों नहीं मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बोलते वापस अपने पुराने ट्वीट्स को रिट्वीट करते हैं, यहाँ भाई अब 75 पहुँच गया पहले 70 पे इतना हो गया था, क्यों नहीं वो सारी चीज़ हो गई, आप उस चीज़ को उस चीज़ पे क्यों नहीं बात कर रहे, मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें अपन को समीकरण पूरा देखना पड़ेगा, जैसे नहीं सोच पा रहे थे मतलब जब हाँ। प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तो सारी चीज़ों पर सवाल उठा रहे थे, अब सत्ता में तो क्यों नहीं उठा मतलब क्यों नहीं वो सारी चीज़ें सही हो जाती, हमने तो यहाँ तक के ट्वीट पढ़े थे कई लोगों के महापुरुषों के
कि एक डॉलर बराबर एक रुपया हो जाएगा, एक डॉलर बराबर 40 रुपया हो जाएगा, क्यों नहीं हो पा रहा वो सब कुछ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा देखो इंटरनेशनल व्यापार है सबसे बड़ा काम, क्योंकि अपना जो एक्सपोर्ट है ना, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा अपन को। एक्सपोर्ट के नाम पे अपन क्या करते हैं, सिर्फ मसालों को ही तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाद बाकी चीजें तो इम्पोर्ट ही हो रही है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन जीरो है अभी देखा जाए। मेक इन इंडिया शुरू किया था, क्या हुआ फिर उसका? मेक इन इंडिया बन रहे भाई, मेक इन इंडिया शुरू हुआ था ना, मेक इन इंडिया बन के करते एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पाया? तो सर अब टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, जैसे जीएसटी है, 4 साल में फैक्ट्री बन जाती। अच्छा सच्चाई तो ये जीएसटी लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आई, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ जीएसटी क्या? ऑस्ट्रेलिया में जैसे जीएसटी लागू हुआ था, ग्रीस में लागू हुआ था, और भी कई देशों में लागू हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट जो है 2 से 3 सालों में देखने को मिला। इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखा जाए 2 से 3 सालों में कंडीशन। यहाँ तो पेट्रोल और डीजल को ला ही नहीं रहे जीएसटी के अंदर, मना करते बोले हम नहीं ला रहे, हमारा तो ऐसे ही चलेगा। तो हाँ ये चीज है, इस पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। जीएसटी पे स्टेट गवर्नमेंट का तो कंट्रोल ही नहीं है ना, वो तो पूरी जीएसटी काउंसिल बैठी है। नहीं स्टेट जीएसटी तो है ना, सेंट्रल जीएसटी, सीएसटी। कंफ्यूज हो रहे हैं एक्चुअली। जीएसटी में कोई भी परिवर्तन के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उसमें परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से चीजें तय होती हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी पर डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? सब पूरे जीएसटी का मतलब यही है, अगर जीएसटी में से स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल दे देंगे तो पहले वाली चीजें वापस हो जाएंगी, समझ गए? तो ये चीज अभी थोड़ी एक्चुअली इनकरेक्ट है। एसजीएसटी का एसजीएसटी जो परसेंटेज है उसका तो कम, और नहीं, जैसे गोवा में आप देखिए, गोवा में आपको पता है पेट्रोल का प्राइस? सर पेट्रोल जीएसटी के अंदर आता ही नहीं ना। नहीं गोवा में पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल पर स्टेट टैक्सेज होता है ना। नहीं आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, एसजीएसटी स्टेट टैक्स नहीं है, उसको सेंट्रल ही मॉनिटर करता है। जीएसटी में स्टेट और सेंट्रल के आधे आधे टैक्स। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं तो फिर फूड प्राइस वो फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, वो मैंने ठीक किया। जो फूड प्राइस है उस पे देखो आप कितने परसेंट, 18% है फूड पे अगर देखा जाए। जो बेसिक नीड है, जैसे आपने अभी गरीब आदमी की बात कही कि गरीब आदमी को पेट्रोल, पहली बात तो भाई साहब ये है कि गरीब आदमी 80% गरीब आदमी जो है वो साइकिल से चलता है। मैं इनसे बात से सहमत नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं है? गरीब आदमी का मतलब ये नहीं है जो दो वक्त खाना नहीं खा पाया उसे गरीब आदमी कहते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के गरीब आदमी की गिनती होती है। अच्छा ये भी कर रहे हैं बाइक वाले। और ये चीज़ ये कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे एक बंदा है गरीब है, वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, खुद की कार अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो कार हायर भी नहीं कर सकता? लेकिन हायर करेगा तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, रेंट बढ़ेगा, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उसको। मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये बोल रहे हैं कि ट्रकों से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो गए, सामान आता है, एक भाई साहब से वो ट्रांसपोर्ट वाले चले गए, ठीक है ट्रकों, ये बोल रहे हैं कि डीजल बढ़ेगा तो उन चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो सारी चीज़ें अफेक्टेड हो रही हैं इससे। डीजल के दाम बढ़े मगर उसके भाड़े के दाम बढ़े क्या, आप बताओ? मुझे नहीं आइडिया सर, ये तो आप ही बताएंगे, तभी तो आपसे पूछा। बताइए भाई साहब, पूछ रहे हैं भाड़ा बढ़ा क्यों बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? बड़ा बढ़ा रहे हो आप, 5 रुपए बढ़ा रहे हो डीजल के दाम। इधर आ जाइए आप, आइए तो भाड़े, आइए इधर इधर आइए, इधर आइए बढ़ना चाहिए ना भाई साहब, इधर आइए, मैं सुन नहीं पा रहा आपकी बात। एक मिनट भाई साहब आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं भाड़े के, गाड़ी वाले ही हैं। अच्छा आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है आप, आइए बैठे। क्या नाम है आपका? अब्दुल खान। अब्दुल खान साहब बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ सर, अब डीजल जैसे ही बढ़ रहा है मगर ट्रांसपोर्टर भी हैं जो आजकल, जो उसके भी तो भाड़े बढ़े हैं, भाड़े तो नहीं है, महंगी में ही है, तो नुकसान होगा वैसे तो। हम तो हमको खुद मालूम है, हम अपनी किस्त कैसे निकाल पा रहे हैं गाड़ी की, और अपना खर्चा कैसे। ये बोल रहे हैं भैया कि डीजल बढ़ रहा है, ठीक है भाड़ा ये बढ़ा नहीं पाया, भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? डीजल बढ़ा तो भाड़ा बोल दो भैया कि डीजल इतना हो गया हमें। क्या है देखो, एक गाड़ी वाली तो यहाँ शिवपुरी में है नहीं है, 2-4 खड़े होते हैं, मगर 4-5 तो इक्का दुक्का गाड़ी वाले हैं, 1-2-4 गाड़ी वाले तो अपनी वो बीच में टांग अड़ा लेते हैं, हमें जैसा मिल रहा है, बस यूनिटी नहीं है इनमें। अच्छा ये बोल रहे हैं कि भाई साहब डीजल के चक्कर में घाटा खा रहे हैं और ये रेट भी नहीं बढ़ा सकते, क्या कहेंगे इस पे कि ये एक मिडिल क्लास, आप लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आप नुकसान रहेंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है। पेट्रोल डीजल तो मतलब एक वही मुद्दा नहीं है सर, देखो देखा जाए बड़ा मुद्दा तो आप है। उस इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को देखो ना आप, मतलब सऊदी अरब से थोड़ी लड़ेंगे अपन जाके, जहाँ से डीजल पेट्रोल। ये बोल रहे भैया कि देश विदेशों में चीजें ऐसी चल रही है इसलिए महंगा हो रहा है, बताइए क्या कहेंगे? उधर से नहीं है, इधर को भी तो देखना चाहिए, कोई पार्टी है कुछ भी तो जहाँ भाड़े भी तो बढ़ाने चाहिए, विदेश से मतलब नहीं है, विदेश से तो सस्ता आ रहा है, तो यूनिटी बनानी पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों विदेश से आ रहा है भाई साहब, पेट्रोल डीजल का कितना टैक्स आपको पता होगा, ठीक है जितना का आता है उतना ही टैक्स लग जाता है, तो ये बोल रहे हैं क्यों ना सरकार अपना टैक्स कम कर दे, अपना प्रॉफिट कम कर ले, लोगों को फायदा हो जिससे, तो फिर तो सरकार ही घाटे में चली जाएगी ना सर, घाटे में सर पहले कम उस क्षेत्र में। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद में कितने रुपए एक्साइज बढ़ाया आपको पता है? हाँ, कितने बढ़ाए? शायद मेरे ख्याल से 14%।
रुपीज और एक्साइज ड्यूटी रुपीज में एक्साइज ड्यूटी मुझे एक्चुअल डेटा नहीं पता एक्चुअल डेटा नहीं पता टैक्सेस में पिछली सरकार और इस सरकार में करीबन 20 रुपए तक का अंतर आ चुका है एक पीक वो पेट्रोल में बोल रहा है दोनों चीजों में लगभग लगभग भी क्रूड ऑयल की तो बात ही छोड़ दे क्रूड ऑयल की मैं बात करूंगा तो मनमोहन सिंह के जमाने में $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया था जो अभी तक नहीं पहुंचा वही $70 पर बैरल के आसपास है $40 पर बैरल पे गया तो भी पेट्रोल 60 पे नहीं आया था ठीक है क्योंकि टैक्सेस जो है सरकार के बहुत हाई है तो ये भाई साहब बोल रहे हैं क्यों ना सरकार अपनी टैक्स कम करे जिससे ये जो आदमी है उसको फायदा हो जाए मतलब सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए ये बोलने की ये नुकसान हो रहा है तो क्यों टैक्स तो क्या है जीएसटी लगा के दे सरकार डीएल पे या पेट्रोल पे जीएसटी लगी हुई तो डीजल और पेट्रोल पे भी जीएसटी लगना चाहिए ये बोल रहे हैं कि भैया जीएसटी लगा दो क्या दिक्कत आ रही है सरकार को लगानी चाहिए जीएसटी पेट्रोल डीजल पे हर चीज पे जीएसटी में लिया है तो कायदा ये बनता है पेट्रोल को डीजल को भी जीएसटी में लिया जाए इस चीज से मैं कंसीडर हूँ अभी थोड़ी देर पहले तक नहीं मैंने ये नहीं बोला था कि जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए लेकिन टाइम लगता है सर सारी चीजों में आप ये भी तो देखिए आप ये बोल रहे हो कि आप अपने व्यापारी को बोलो कि भाड़ा बढ़ाए हमने बोला उन्होंने पता उन्होंने हमें क्या क्या कि हम भाड़ा किस लिए बढ़ाए आपका डीजल बढ़ाए आपकी सरकार ने बढ़ाए आप मोदी जी से जाके बोलो उनसे कि डीजल सस्ता करें हम अपना भाड़ा क्यों बढ़ाए आप नहीं मानोगे कल को मेरे पास दूसरा है 10 गाड़ियां है शिवपुरी में एक मोटर मालिक नहीं है 50 मोटर मालिक है शिवपुरी के अंदर अच्छा व्यापारी सीधे बोल देते कि जाओ मोदी जी के पास पर नहीं जा रहे आप हाँ इनसे ये होता है कि डीजल के रेट तो बढ़ गए जो सब कुछ भाड़े वाड़े बनने बढ़ने में टाइम लगता है प्रोसेस होती है कि अभी इनको पैसे मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो ये टाइम लगेगा इनको जब तक टाइम बढ़ेगा इन जो गाड़ी वाले छोटे गाड़ी वाले हैं ना जिसकी एक गाड़ी है दो गाड़ी है तीन गाड़ी है उनका मरना है कुल में आगे बात जी है जिसके 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ वो तो सक्षम है क्योंकि एक गाड़ी 35-40 लाख की उसको मरना है जिसकी 40 गाड़ी है वो मरना जिसकी एक दो गाड़ी भैया की जैसे पता नहीं कितनी गाड़ी है जैसा उस हिसाब से इनको मरना है बड़ी सी कुछ नहीं बोल रहे भैया छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है लेकिन एक रैंकिंग होती है जिसमें ये बताया जाता है कितना आसान बिजनेस करना कहीं हो गया है तो बोल रहे हैं भारत उसमें बहुत ऊपर जा रहा है अच्छा बिजनेस हो रहा है वो बिजनेस आप वो तो आप पर डे देख रहे हैं कितने किसान मर रहे हैं कितने गाड़ी वाले मर रहे हैं और पूरा फायदा आप लोगों को बैंक को मिल रहा है कितने बैंक से कितने पैसे लेके भाग गए सरकार ने क्या किसके लिए क्या कर लिया क्या सरकार अपनी इंडिया की भारत की इतनी सक्षम नहीं है कि नरेंद्र मोदी को और जो अपने और किंगफिशर का क्या था वो विजय माल्या को ला सके सक्षम नहीं है और मैं आपको और बताऊँ अपने इतने वादे किए थे 1 करोड़ रोजगार पर साल का देगा कहाँ है वो रोजगार है और आपने शुरू में एसएससी वाली बात करी थी नौकरियां नहीं लग रही है पूछ रहे हैं कहाँ है नौकरियां हाँ इस चीज को भी मैं कंसीडर करूंगा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा मोदी जी का ध्यान गया है इस साइड प्राइवेट में भी तो नौकरियां नहीं मिल रही ना लड़के बीटेक करे करे बेरोजगार घूम रहे हैं मतलब इस चीज का तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बीटेक करा अगर कोई रोजगार मुद्दा ही नहीं होना चाहिए रोजगार मुद्दा होना चाहिए ना मैं कब कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए सुधार ये होना चाहिए कि जैसे इंजीनियर्स हैं ठीक है या मेडिकल्स वाले हैं इंजीनियर्स हैं तो उनके लिए बड़े बड़े कॉलेज बना देने चाहिए और उन लोगों को इक्विपमेंट्स अलाउ कराने चाहिए और वो चल ही रहा है सिर्फ नाम के लिए चल रहा है आप लोग भी जानते हैं तो कॉलेजेस ऐसे बनने चाहिए वो जिसमें आदमी इंजीनियरिंग करके आए और उसके बाद वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स करे जैसे मेडिकल क्षेत्र वाला है वो एक्सपेरिमेंट करे मैकेनिकल वाला है वो तो अपने इससे क्या होगा टेक्नोलॉजी का विकास होगा मतलब नया दिमाग निकल के आएगा इंजीनियरों का जो बेसिक दिमाग है वो काम में आएगा अगर ऐसी चीजें बनाई जाएंगी बोल रहे हैं बेकार इंजीनियर निकल के आ रहे हैं आजकल कॉलेज कहाँ से बनाएंगे आप शहर के नाम चेंज करने में बिजी हैं गाड़ियों के नाम चेंज करने में बिजी हैं कॉलेज कहाँ से बनाएंगे बोले सरकार का ध्यान ही नहीं है कॉलेजों की नहीं वो पहले जो मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है शहर के नाम पे नाम चेंज करने पे सरकार का शहर पे ध्यान नहीं है खाली शहर के नाम पे ध्यान है कि इसका नाम चेंज करना है बस हमें कोई बड़ी बात है अभी आप अपने शिवपुरी शहर का नाम न्यूयॉर्क रख देंगे तो बहुत तरक्की हो जाएगी अच्छा ऐसा है रखवा दो यार न्यूयॉर्क रखवा दो नहीं ऐसा हमारा सोचना नहीं है सरकार का सोचना है शिव सबसे मैं आपको बताऊँ सबसे बेरोजगारी यूपी में आप ऐसे लेके चले यूपी बिहार का आदमी सबसे ज्यादा आपको भारी मिलेगा दिल्ली हुआ अपना अभी सब छोड़िए आप अपना गुजरात हुआ गुजरात से कितने लोगों को भगाया हुआ किसने भगाया क्यों भगाया कौन सी पार्टी वालों ने भगाया ये नहीं लोग स्थानीय मुद्दे पर नहीं जा रहे बड़ी मोटा मोटी इन्होंने बात बोली भाई रोजगार की भारी कमी है
ठीक है, आपने भी शुरू में उठाया कि सरकारी नौकरियों की भारी कमी है, फिर आप बोले प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई अच्छा हल नहीं है, ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है कि नोटबंदी के बाद में प्राइवेट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, सहमत हैं आप इस बात से? हाँ, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। नोटबंदी से नुकसान हुआ है, मानते हैं? हाँ। फायदा हुआ कुछ नोटबंदी? गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। क्या टैक्सेस? आप ग्रोथ रेट देखे अभी अपना, फिस्कल डेफिसिट जरूर देखो, फिस्कल डेफिसिट पे मैं विषय बात करता हूँ। जैसे यूपीए गवर्नमेंट थी जब 4.2 फिस्कल डेफिसिट था जो अपने ऊपर कर्जा था, अब वो 3.2 हो चुका है अगर आप देखें अभी का आंकड़ा डेटा, तो जो अपने पे और देशों का कर्जा है तो कर्जा भी तो कम हुआ, उस चीज को भी तो देखें आप, फिस्कल डेफिसिट जो यूपीए गवर्नमेंट में 2013-14 में कैसे कम हुआ? नोटबंदी का क्या असर था? नोटबंदी का गवर्नमेंट पे पैसा आया है, सबसे बड़ी पैसा कैसे आया? नोटबंदी में काला धन तो कुछ जब्त हुआ नहीं, 4,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने आंकड़ा दे दिया सर, कितना जब्त हुआ? बहुत मतलब आंकड़ा 80% जितना धन था पूरे ऑल ओवर इंडिया, 80% धन गवर्नमेंट पे आया है सर। मैं बताता हूँ, 99.1% नोट वापस आ गए हैं, आप 80% पे थे, उसका फायदा क्या हुआ? कर रहा हूँ काले धन की बात, 80% काला धन था। सरकार आंकड़े आज तक किसने दिया ये आंकड़ा? सरकार तो बोलते हैं काले धन जैसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। मतलब मैं एक बेसिकली न्यूज़पेपर बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर का डेटा बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का, मतलब आज से 3-4-5 जब नोटबंदी हुई थी 2016 में तब का सोर्सेज, अगर मतलब मैं किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूंगा लेकिन अगर सोर्सेज आप थोड़े बताते तो आपको बताता कि सरकार ने कभी ऐसा आंकड़ा नहीं दिया, वो भाषण में हुआ होगा। इस चीज से मैं कंसीडर करूंगा, सरकार ने नहीं दिया, आरबीआई ने दिया था, ये भी आरबीआई तो सर सरकारी ये तो है ना, आरबीआई को सरकार से लगता है नहीं है, सरकार के अंडर ही तो है ना, सरकार ने दिया अभी तक ना, आरबीआई सरकार में तो झगड़ा चल रहा है इसी चीज को लेकर, नोटबंदी से आज तक बात नहीं सुलझ रही। बिल्कुल चल रहा, मतलब अभी जो 3.2 बिलियन शायद, मुझे एक्चुअल डेटा तो नहीं पता है, 3.2 बिलियन मतलब गवर्नमेंट पैसे मांग रही है आरबीआई से, तो उस मुद्दे के बारे में अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो फिर वो झगड़ा जो है इसके तय में जाओगे तो कहीं ना कहीं नोटबंदी निकल के आ रही है। नहीं, आप तो बोल रहे रिजर्व बैंक को फायदा हुआ है नोटबंदी से, फिर तो ये बोल नुकसान हुआ, लड़ाई चल रही है सरकार और रिजर्व बैंक। नोटबंदी से इसका क्या लेना देना, मतलब सर ये तो झगड़े के तह में जाओगे तो यही निकल रहा है। ये तो अगर आप गोल्ड स्मिथ की बात सुने, मतलब 1000 साल पहले जो गोल्ड स्मिथ थे वो क्या कहते कि मतलब डिमोनेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब करेंसी 10 साल के अंतर्गत चेंज होनी चाहिए। गोल्ड स्मिथ जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये बोल गए थे। अच्छा। उनकी बात अगर अपन देखें तो इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है अभी एक लेडी की, इकोनॉमिक सेक्टर में, पता है किसकी? नहीं नहीं मुझे जानकारी नहीं है। आप सर्च करिएगा, ठीक है, सरकारी उनको लेके आइए। और नोटबंदी के बाद उनका स्टेटमेंट था कि ये सबसे बेकार कदम है, इससे इकोनॉमी को नुकसान होने वाला, और वही अब भारत सरकार उनको लेके आई। वो तो सर बहुत बड़े जे बात बिल्कुल, इससे भी मैं कंसीडर करूंगा, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने ये चीज बोली कि इससे घाटा है देश को और ये नहीं होना चाहिए। अब घाटा रहा फायदा रहा ये तो बताइए भाई साहब, दोनों तरफ की बात को खेल रहे हैं, एक तो बताइए मुझे क्या मतलब नोटबंदी से घाटा रहा या फायदा? मेरे हिसाब से दोनों पक्ष रहे, मेरे हिसाब से तो लोगों को फायदा भी हुआ है। 51-49 तो होगा, 51% मेरे हिसाब से फायदा हुआ। अब 51% लोग क्या फायदे के नाते लोग कहते हैं कि मतलब बड़े आदमी कोर्ट, कल जैसे कल का ही अगर आप भाषण सुनो, मतलब राहुल गांधी जी का वहाँ पे दे रहे थे, कहाँ पे दे रहे थे मुझे, छत्तीसगढ़ में दे रहे थे, तो बता ऐसा बोल रहे थे लोग के कौन कोट पहन के आदमी नहीं लाइन में नहीं लगा, सब लगे हैं सर। मैंने देखा भैया कोट पहन के लाइन में, कोट पहन में कोई नहीं लगा आदमी, कोट पहन है? मैंने किसी को नहीं देखा। राहुल गांधी सबसे बड़ा उदाहरण है, राहुल गांधी तो लगे थे कोई ऐसे, तो फिर ये बोल देंगे नरेंद्र मोदी की माँ भी लाइन में लग के गई थी, बिल्कुल लगी थी ना, मतलब वो नहीं, मैं वो काला पैसा था उनके पास? नहीं नहीं काला पैसा नहीं, राहुल गांधी पास काला पैसा था? नहीं था, तो फिर आपने बोला ना तो एक नागरिक के लिए। मैं आपके दोनों बात, मैं आपकी दोनों बातों को जवाब देता हूँ, आपका माँ का भी देता हूँ और कोर्ट का भी देता हूँ। हमारे शिवपुरी क्षेत्र में मैं बाहर नहीं जाऊंगा आप, क्योंकि बाहर के बैंक ने हमारा काम शिवपुरी के क्षेत्र में पढ़ना, बैंक पढ़ना, हम लाइन में लगे, हमें तो किसी एक को भी लाइन में लगा नहीं देखा, और जो भी सेठ था उसकी डायरेक्ट टचिंग अंदर थी, सीधे जा रहा था केबिन में और सीधे पैसे लेके आ रहा था। दूसरी बात ऐसी है, अगर मान लीजिए मैं उदाहरण लेके आपको चलता हूँ, आपकी माँ है 90 साल की, क्या आप उनको लाइन में लगाओगे कि पब्लिसिटी कराने के लिए लगाओगे लाइन में? आप बोल रहे हैं भैया मोदी जी पब्लिसिटी करा रहे थे, आपकी माँ की उम्र 90 साल है और आप बैंक लाइन में लगाओगे? आप
नहीं जे तो सबसे ये तो क्या है सर, पर्सनल मुद्दा हो गया, पर्सनल मुद्दा हो गया, मोदी जी का ही पर्सनल मुद्दा हो गया। ऐसे तो मेरी माँ भी 60 साल की है, वो भी लगी थी लाइन में, ये बताऊं ये तो पर्सनल 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 मुद्दा पब्लिक सिटी के लिए लाइन में लगाया था उसका। नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो वो नोट नोटबंदी से केवल पैसे वालों को घाटा हुआ था, गरीबों को घाटा नहीं हुआ। कैसे नहीं, गरीब के पास मुझे बता दो कि नोट बच गया, पैसे वालों के पास इतनी लैटरिन की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, उसने लैटरिन बनवा के दी हमको। अच्छा, जाती थी हमारी माँ बहन इधर, बात करते उनकी बात समझाओ। तो हमको उसने लैटरिन बनवा के दी, क्या क्या घाटा हुआ हमको बताओ। हमारे पास कमरा नहीं थे रहने के लिए, उसने कमरा बनवा के दिए, किराए से रहते थे हम, तो उसने कमरा बनवा के दिए, क्या घाटा बन गया। चलो बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आप जो बोल दोगे मालिक सुन लूंगा, मुझे ऐसी चलने की जरूरत नहीं। आप बोल रहे हो क्योंकि मैं आया हूँ, मैं कहीं गाँव से भी निकल के आया हूँ। इसमें एक नरेंद्र मोदी को सीधा श्रेय में एक चीज का दूंगा कि गांव में शहरों में टॉयलेट्स बने हैं, ठीक है, बहुत बने। बात है मेंटेनेंस की, तो कई जगह पे मेंटेनेंस में कमी है, कई जगह अच्छे हैं। अब सारे एक साथ तो बनने जाएंगे ना। मैं पिछले 60 साल से भी तो कुछ नहीं हुआ था, पिछले 60 साल से भी तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ना पिछले 60 साल से। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना भी तो बहुत बड़ा श्रेय है। मतलब मैंने बोला इनमें से 90% लोग क्यों भैया ये बोल रहे हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ। पिछले 60 साल से कुछ नहीं हुआ। आपको जन्म कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? मेरा जन्म तो घर पे ही हुआ था। घर पे हुआ था आपका जन्म? तो मैं आप फिर तो कुछ कहने चाहूंगा फिर। और मेरा मैं बताऊं कि पिछले 60 साल से कुछ नहीं हुआ था। सड़क सड़क नहीं थी पहले 5-4 साल पहले तक। मतलब इतनी भी नहीं थी कि जो पहले था। ये सड़क 4 साल पहले बनी है। ये तो 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे जैसे कुछ नहीं था, जैसे हम लोगों को राजनीति पता नहीं थी कि क्या राजनीति होती है, आज हमको पता है। इसी बात बताता हूँ, जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं अपन लोग और 6 महीना पेट में आया उससे पहले पैसे आ रहे हैं, और पैदा होने के बाद फिर पैसे आ रहे हैं। गरीबों को मकान मिल गए, लेटरिन बाथरूम मिल गई, 1 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है। और नोटबंदी की बात कर, संबल योजना, क्या संबल योजना के तहत गरीबों की 200 रुपए बिल माफी हो रही है। 200 रुपए मतलब आप हो गए, 2000 रुपए आते थे बिल हमारा, आज 100 रुपए आ रहा है, 106 रुपए आया था अभी, मैं कल ही जमा करके आया हूँ। 2000 रुपए 2500 रुपए आते थे, पंखा हम दिन में बंद कर देते गर्मियों में। तुम्हें मकान मिला कि नहीं मिला? मिला ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे भारत भर में मिला है ना, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं ना। उसके बाद में मेरे पास लैटरिन नहीं थी, 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, तो नली में बैठता था मैं उधर। आज मेरे पास लैटरिन है घर की, घर में मैं तो मोदी को ही दूंगा। अच्छा, और कौन सा भाई साहब? चले ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा तो एक ये गंदगी बहुत हो रखी है आपके यहाँ भाई साहब, ये गंदगी बहुत हो रखी है यार यहाँ पे, सफाई करवा दिया करो। सफाई ये सफाई किसके हाथ में? रात जिस सुबह सुबह सफाई होंगी, ये चीज रात को ही होती है। तो जी तो क्या है, दुकानदार लोग हैं, ये दुकानदार लोग करेंगे ना सफाई। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ 60 साल में कुछ नहीं हुआ था, 4 साल में सब कुछ हो गया। एग्री कर रहे हो उनकी बात से? नहीं भाई, क्यों? कुछ नहीं हुआ। आप मैं बता दो ना, 60 साल में नहीं हुआ कि 4 साल में? 4 साल में 5 साल से पूरी रोडें खुदी पड़ी हैं। कौन सा चल रहा है मेरे साथ चले? कौन सा चल रहा है मेरे साथ चले? और अभी चलो यही बता दूं, सामने इधर बता दूं, इधर बता दूं, इधर बता दूं। भाई साहब को बताओ, हमको नहीं बताइए। जोड़ों की नहीं कहा, उन्होंने मकान जोड़ों की कब कहा यार? मैंने तो मकान की बोला, आप तो गलत टॉपिक ले रहे हो। आपने बोला कुछ नहीं, मेरे पास तो घर नहीं था, अपार्टमेंट में रह रहा था जब से वो किराए। सफाई अभियान, आपको गंदगी किस चौराहे में बता दूं, किस नली में गंदगी बता दूं? मेरे पास तो लैटरिन की व्यवस्था नहीं थी। दोस्त सब सुविधा मिली है, आराम से सुन तो लो। लैटरिन की व्यवस्था नहीं थी मेरे पास, जब हमारी माँ बहन जाती थी ना इधर उधर डिब्बा लेके, तो लोग देखते थे हमको, बड़ा है काम। लेकिन इतना भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जितनी योजना होना चाहिए। 60 साल में बताओ, 60 साल में क्या कौन सा? देखो ना, कांग्रेस का सपोर्ट करते हम, ना कांग्रेस का करते, ना बीजेपी का करते, हम तो सच्चाई का करते हैं। अगर हक की बात करने वाला है कोई तो हकीकत सामने आ जाए। इनका कहने का मतलब है कि मोदी जी के टाइम में गरीबों को लेटरिन बाथरूम मिल गई, 2.5-2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिल गए, और बिल माफ, एक मिनट, बिल माफ कर दिया बिजली का, गरीबों का बिजली का बिल आता था 106 लाख। तो शिवपुरी से लाभांश पे दूंगे प्रधानमंत्री आवास। अरे मोदी जी ने कहा था कि 2.5-2.5 लाख रुपए, कितना लाख कहा था? 2.5-2.5 लाख रुपए सबके खाते में आएगा, काला धन आएगा। वो 15 लाख था, मैं तो 2.5 लाख लेके चल रहा हूँ। भैया से पूछे 15 लाख के बात हुई थी, 15 लाख में से कितना लाख इनके पास आया?
पूछे आया क्या है? इधर आओ। अब ऐसे तो राहुल गांधी ने की थी कि मैं देश में ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आने लोग सुनो सुनो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज है, ये गलत है, ठीक है? पूरा सुनो, अब सुन लो, अब सुन लो, गलत बात करोगे मैं टोकूंगा। आपने सही बात बोली, लेटरिंग बनी, मैंने बोला बनी है, आपने बोला घर बने, मैंने बोला बना है, ठीक है? मैंने काटा। अब बात सुन लो, ये जो आपने बयान बताया आलू से हमारा, वो एकदम गलत था, ठीक है? उसका पूरा ये था कि उन्होंने कोई मोदी जी के भाषण का रेफरेंस लिया था, ठीक है? आपकी बात गलत है। अब लॉजिकल बात करिए, अब ये भाई साहब बोल रहे 15 लाख में से कितने मिले आपको, वो उनको बता। अभी तो कुछ नहीं मिले, और अभी जीत हुई है कि मोदी सरकार हट गई, मिलेंगे हमको तो उम्मीद है मिलेंगे। मेरी बात मोदी सर, एक बात सुनो, कोई शख्स ने ये बोला था, कोई शख्स ने चुनाव में ये बोला था, जो आज इस देश के राजा बने बैठे हैं, कि 35 रुपए पेट्रोल देंगे, मिल गया है क्या? 60-70 रुपये किलो दाल दी, आज कितनी है दाल? इनसे पूछो भैया, ये पर्चा लगा कर रस्ती में डूबा रहता हूँ मैं तो। दाल दिखाएंगे आज आपको, कौन सी है ये भी बता दें, सब बताएंगे। ये पकड़िए मत, ये पकड़ना मेरा काम है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मेरा नाम इकबाल खान है, 60 साल में सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, अपना वोट बैंक समझ रखा मुसलमानों के लिए। ताली भैया, आओ आओ आओ, पूरी बात करो, इनकी बात सुन ली आपने? हाँ सुन ली। क्या कहेंगे? मैं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही है। अच्छा, ये बोले 60 साल में कुछ नहीं हुआ है? 60 साल में कुछ नहीं हुआ? 60 साल में कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो सत्य कह रहे हैं। और बात ये है, जो बोल लिया है, क्यों आज अगर जी कुछ बोल देते हैं, मैं कुछ बोल देता हूँ तो 17 आदमी और वैली प्रशासन, मैंने एक लफ्ज गलत बोल दिया ना, प्रशासन हाल गया टप्पा लगा देगी मुझ पे। और जो बोल रहे हैं दुनिया में, जो माइकों पे चैनलों पे जो अंडरस्टैंड कुछ भी बोल देते हैं, जो हम दोनों भाइयों को अलग करवाने के लिए कुछ भी बोल लिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, यही सत्ता है भाई, जनता की राय है ये तो। एक बार भाई साहब, आप बात दोनों भाई हैं, ये नेता लड़ाने का काम कर रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, ऐसा कानून का राज नहीं, ऐसा ये बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नेता नहीं चाहता कि आपसी में अपन लड़े, बताओ ना, बताओ ना, किसी नेता ने कहा कि आप आपसी में लड़ो? तो आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं बोलते। मैं आप लोगों से पूछने आया हूँ, कुछ बताने नहीं, नहीं, आप तो ठीक है, आप तो लेते हो, लेकिन आप नेता बताओ, मैं आपसी में लड़ना हो वाला नहीं, वो तो भाई इतने समझदार है तो आप अपने भी झेल लेते हैं एक दूसरे को। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 60 साल में मुसलमानों को इस्तेमाल किया सिर्फ, वो तो मुसलमानों का इस्तेमाल काम की कह रहा हूँ, काम में तो इसमें तो मैं एक चीज बता दूँ, महंगाई के हिसाब से वो कांग्रेस किसान विरोधी सरकार जो 18% पर किसान को ब्याज पे लोन देती थी, आज भाजपा सरकार 0% लोन दे रही है। 18% में कोई है किसान वाला जिसने वो लोन लिया हो 18%? नहीं भैया, मेरा तो नहीं लिया, मैं भी किसान हूँ, मेरी 37। क्या बोल रहे थे? मेरे को लोन दिलवाओ, मेरे को लोन दिलवा दो, मैं लोन लेने फिर रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं लोन लेने फिर रहा हूँ, 37 बीघे जमीन है, मेरे दादा के नाम असगर खान के नाम, मेरे बाप के नाम लियाकत अली के नाम, ईसागढ़ में बन रही है ना। अरे भाई साहब, पूरी कोशिश कर ली, लोन दिलवा दो, आप चल के दिलवा दो, मेरे कागज लगे हैं। जब तक घर का कोई मर नहीं जाएगा, अब तक कुछ नहीं मिलेगा, आप मेरे को दिलवा दो। मरने से क्या हो जाएगा भाई साहब? मेरे पास हो रही है, सुनो, मेरे पास एक एग्रीमेंट रखा है, मेरी सुनो, मेरे पास एक एग्रीमेंट रखा है, मैंने 6 महीने का टाइम लिया था, 4 महीने अभी भी बाकी हैं, मैं लोन के लिए इसलिए चक्कर लगा रहा था क्योंकि मेरे को बाकी का पेमेंट देना, लोन मिल जाएगा मैं बाकी का पेमेंट दे दूंगा, लोन में पटाता रहूंगा, लेकिन लोन नहीं मिल रहा। चलिए, ये भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप अग्रवाल। संदीप, क्या करते हैं? अभी एक मिनट भाई साहब, इनकी बात किस चीज़ का? मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान, क्या चल रहा है? धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है? तो क्या चल रहा है चुनाव का, क्या चल रहा है अभी चुनाव का? भी साहब, यहाँ से 2 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी से यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं, जो सालों से हैं यहाँ, करीब 10 साल से होंगे, 15 साल से। 15? नहीं नहीं नहीं, एक बार दूसरी बार आप बीच में माखनलाल जी बने, बीच पहले माखनलाल, 15 लंबे समय, लंबे साल निकल रहे हैं। हाँ जी, कांग्रेस से? कांग्रेस से सिद्धार्थ लड़ा है, नाम ही लड़ा है वो, नाम से दाल लड़ा जी। अच्छा, क्या फिर माहौल क्या चल रहा है? माहौल कुछ नहीं है, महाराज जी तक महाराज मतलब
यशोधरा राजे मैडम यशोधरा राजे सिंधिया कहना मुश्किल। अरे हम कह रहे हैं लिख देंगे कैसे लिख देंगे यार, ये ना कमेंट पास करेंगे ना, हम बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है देखो, मैं देखो राजनीति से मतलब नहीं है, कांग्रेस जा बाढ़ में और बीजेपी जा बाढ़ में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र से मतलब है, हम तो सीधी बात करते हैं। अच्छा वो तो महारानी है, महाराज क्यों बोलते हैं लोग उनको? महाराष्ट्र भी बोलते हैं उन्हें। अच्छा श्रीमंत बोलते हैं उन्हें सब। देखो ना, मैं कांग्रेस ने कुछ करा ना बीजेपी ने करा। अच्छा हमें अगर कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो यही काम आते हैं, सीधी बात नहीं बिल्कुल, ये तो है फैक्ट, जनता के साथ खड़े रहते हैं बिल्कुल। तो फिर आप कैसे और कुछ है? नहीं नहीं नहीं, तो नहीं, नहीं मतलब ये एक तरफा नहीं हो सकता ना, अपन एक तरफा नहीं कह सकते, टक्कर होगी इस बार। नहीं टक्कर भी बहुत ज्यादा नहीं है, 30,000 वोटों से टक्कर है। वोट की टक्कर भी 30,000 से ज्यादा ही लग लेगी, कम नहीं लग लेगी। अच्छा जीत। अच्छा पहले से मामला तय है, पहले मैं कह रहा हूँ हमारा वोट जाएगा। अच्छा मुसलमान है लेकिन डालेंगे, दुनिया कहती है नहीं डालते लेकिन हम डालते हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, आखिर ये धर्म के ऊपर कब तक, जाति के ऊपर कब तक वोट डालते रहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने खुद ने बात आपने लास्ट में आप तब से बात कर रहे थे जाति धर्म की कोई बात नहीं, लास्ट आपने क्या बोला? मुसलमान हूँ फिर भी बीजेपी, क्यों मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालेगा बताइए? कौन कहता नहीं डालेगा? आपने ही बोला मुसलमान हूँ फिर भी क्यों आया ये? क्यों फिर भी? उन्हीं के लिए कहना चाहता हूँ जो कहते हैं, जो जाति समीकरण बनाते हैं। पहली बात तो इंसानियत के नाते जाति समीकरण बनने ही नहीं चाहिए। इंसानियत अगर दिल में है आपके, आप अगर इंसान हो, आपके दिल में दिल धड़कता है और आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, तो कभी आप हिंदुस्तान में एक दूसरे से ये नहीं कह सकते ये जाटा बेजे मियाँ और जे है और जे है, वो इंसान ही नहीं है इस दुनिया में रहने वाला, वो इंसान कहने लायक नहीं है। कोई धर्म, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, इंसानियत पहले होती है। बहुत अच्छी बात पे हमारा ये बातचीत सारी खत्म हो रही है। इन भाई साहब ने बोला है कि इंसान को इंसानियत की तरह देखा जाए, ना किसी की कोई जाति मानी जाए और ना धर्म माना जाए। बहुत बहुत सही बात कही है आप, ये बात जो है वो सारे लोगों तक तो पहुंचाया करिए। मैं तो भाई इस चौराहे पे जानते हैं सिर्फ यही बहस करता हूं। ये कई किया कीजिए, ये बहुत अच्छी बहस है। ठीक है तो ये शिवपुरी में हम हैं, हम कल भी शिवपुरी में। अच्छा आदमी आपसे भागते हैं ऐसी अच्छी बातों पे, हमको पकड़ के फिर से समझाइए भैया कि ये अच्छी बात है। ठीक है शिवपुरी में है हम, कल भी यहीं रहेंगे, सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शिवपुरी में यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिंधिया का अच्छा खासा प्रभुत्व है, जिसके कारण इस बार भी मुकाबला इनको एक तरफा लग रहा है। क्या रिजल्ट होगा, क्या मुकाबला होगा, वो तो सब 11 दिसंबर को पता करेंगे। इन सबसे तेज अपडेट जो है आपको रिजल्ट की, वो dilallantop.com आपको देता रहेगा। मेरे साथ में थे अमितेश और हमारे स्पॉन्सर सर्च बाबू के साथ हम पहुंचे हैं शिवपुरी। आप जुड़े रहिए दिल लंटॉप के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।